यहाँ पे देखो, इस लड़की से 2 साल की लड़की, एक हारी है, कड़वा कर ले। अब देखो इसकी फीलिंग कैसे आती है, इसकी मुँह से कैसे करेगी अपने मुँह, देखते रहो इसको ये। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 8 बज चुके हैं और हम सबसे लेट उठे। क्यों उठ रहे? क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, सुबह से लगी हुई बारिश। तो अभी हम अभी उठ रहे हैं और गोविंद तो उठ गया है, गोविंद तैयार हो गया है और गोविंद ने चाय बना ली, शायद चाय बन गई। चलो मैं फटाफट कपड़े पहनता हूँ और चाय का प्याला पीता है मस्त सुबह का, मॉर्निंग का। तो यहाँ पे गोविंद भाई उठ के बाहर आ चुके हैं। विजय तो है नहीं, विजय मैंने आपको पीछे बुलाऊं बता दिया था, विजय का है रुद्रप्रयाग। तो अभी फिलहाल चाय पीते हैं मस्त, बाहर का मौसम देखते हैं, बाहर का मौसम किस प्रकार का है। हो रही बारिश तो बाहर हो रही है बारिश हल्की फुल्की। तो गाइस हमारी चाय भी तैयार हो चुकी है और फिलहाल चाय पीते हैं मस्त, चाय का प्याला हो जाए भाई शुरू। बिल्कुल चाय मस्त बना रही भाई गोविंद नाज। बोला मैंने अच्छा तो डाल रखा जाते हैं शाम को मिलेंगे आप। ओके ओके बाय बाय। तो गाइस यहाँ बगल है प्रेम का रूम। तो गाइस फिलहाल मैं भी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, अब नाश्ता करता हूँ फटाफट, उसके बाद जाता हूँ शॉप पे। तो गाइस फिलहाल सफाई सफाई हो गई है, धूपती हो गई है, अब करते हैं दिन की शुरुआत। दिन की शुरुआत करते हैं इन फोनों से जो यहाँ सारे डैमेज पड़े हुए हैं। तो गाइस फिलहाल दिन का लंच भी हो गया था और विजय भी आ गया रुद्रप्रयाग से और फाइनली जो इसका क्या था फिजिकल था हो गया पूरा। जो फिजिकल था ये फिजिकल में बाहर हो गया, पूरा हो गया वो, मतलब इसको दोबारा जाना ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारे मतलब फिजिकल में दोबारा जाना नहीं पड़ा, फिजिकल पूरा हो गया, पूरा हो गया। तो ये भी पहुंच गया था रुद्रप्रयाग से, यहाँ पहुंचे थे 3 बजे तक पहुंच गया था दिन का, लंच भी हो गया है मस्त। तो अभी का सीन क्या है, अभी मंगाते हैं चाय क्योंकि 5:30 हो चुका है और चाय का प्यारा पीता मस्त। तो यहाँ पे विजय लिया है रूम से चाय बना के, तो फिलहाल चाय पीते हैं मस्त। तो गाइज अभी का क्लॉथ इस प्रकार का है, क्या मस्त लग रहा है, ऊपर फॉगी फॉगर का है। मस्त लग रहा है और सरना बनी तरफ भी सलाना गांव पूरा ढक चुका है। और भाई ठीक है तो बढ़िया, तो सिम कहाँ मिला तेरे को? रोड पे। कहाँ पे मिला? तो इसका सिम यहाँ पे खो गया था, तो ये दोबारा ढूंढना है 2 घंटे बाद, तो इसको सिम मिला अभी नीचे। इसको बोलते हैं क्या आँख बोलते, इसको किसकी आँख बोलते हैं? तो इसकी आँखों ने काम किया चील की आँखों की तरह, जो इसने सिम वहाँ मिला इसको 2 घंटे बाद रोड पे होगी। तो इसका बड़े भाई का सिम खो गया था नीचे पे, इन्होंने मोबाइल बनाया तो सिम खो गया था। सिम कैसे खो गए? शायद इनमें चिपक गए ना, इनके कपड़ों में चिपक गए हो तो नीचे पे जाके गिरा हुआ है ना। चलो मिल गया ठीक है, लेकिन इनकी बहुत ही खतरनाक नजर ने काम किया। तो यहाँ पे प्रेम भाई भाई अपने शॉप क्लोज करके और गोविंद भाई बैठे हैं यहाँ पे, दूसरा गोविंद भी आने वाला है ना, पहुँचने वाला होगा थोड़ी देर में। तो हाँ सब्जी क्या बनेगी वो तो अभी गोविंद बताएगा, आने वाला थोड़ी देर में, हमें सब भी बताता है ना। तो थोड़ी देर में हम भी शॉप क्लोज कर लेंगे, फिर निकलते हैं यहाँ से रूम पे, फिर बनाएंगे मस्त डिनर रात का। तो यहाँ पे गोविंद भी आ गए अपनी शॉप क्लोज करके। तो गोविंद आज सब्जी क्या बनेगी? कड़वा करेला। क्या? कड़वा करेला। अच्छा
गाइस हम सभी लोगों के हैं मेटअप यहाँ पे, जितना हम रूम पे रहते हैं पार्टनर। तो फिलहाल सब क्लोज करेंगे हम यहाँ से, फिर जाएंगे रूम पे, फिर बनाएंगे डिनर। तो गाइस हम पहुंच गए अपने रूम पे। तो यहाँ पर विजय कर रहा, धसन छिल रहा और भाई लगा यहाँ पे करेला की सब्जी बनाएंगे। तो आज करेला क्या बनेगा? करेला मसाला। करेला मसाला बनेगा आज। तो आज पहली बार खाएंगे हम करेला मसाला। क्या करेला मसाला खाएंगे? अच्छा, इसमें क्या रखा है? प्याज। प्याज, इसमें प्याज ब्राउन हो रहा है। कैमरा ही खराब कर दिया उसने। तो मैं लाया सब के लिए अमूल मस्ती। अब करेंगे सब मस्ती। लो भाई मस्ती कर। भाई तुम मस्ती कर। मस्ती भाई तुम ये मस्ती कर। तो गाइस किसी भाई को अगर करेला मसाला खाना है तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है गोविंद बताएगा? करेले का बाहर का छिलका निकालना है, जैसे ये निकाला हुआ है। उसके बाद अंदर का सारा बीज बाहर निकालना है, जैसे ये निकाला हुआ है। उसके बाद मसाला बना के इसके अंदर भरना है। जो मसाला भी हमारा बन रहा है वो इसके अंदर भरा जाएगा। इसके अंदर भरा जाएगा? हाँ, इसके अंदर। ओके। उसके बाद इसको तेल में फ्राई किया जाएगा। अच्छा, तो ये फटेगा नहीं? इसको बांधना पड़ेगा धागे से। ठीक हो गया। चलो बताएंगे आपको, जैसे भी होगा हम आपको पूरा बताएंगे करेला मसाला कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमारे सेफ साहब गोविंद भाई। तो मैं सबके लिए एक चीज और लेकर आया था। क्या लेकर आया था? चॉकलेट। अब खाएंगे हम चॉकलेट। चॉकलेट तो एक है, इसका होगा चार टुकड़ा। भाई निकाल एक पीस। ला भाई एक पीस। ला भाई गोविंद एक पीस ले रहा और एक पीस मेरा। तो करेला साहब इस प्रकार से करना है जैसे यहाँ पे गोविंद भाई कर रहा है आराम से। तो यहाँ पे बिजी लग गया फिर से अपनी सर्विस पे। ये हमारे रोटी बनाने का मास्टर गोविंद बना रहा है यहाँ पे मसाले। तो यहाँ पे गोविंद भाई भर रहा है करेले में मसाला इस तरह। तो आप भी सीख लो तो कैसे बनाना है करेला मसाला। तो ये है करेला मसाला। पहले ये मसाला बना देना। इसमें क्या क्या है? इसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, बाकी सारे मसाले। अच्छा, तो इसको इस तरह से भरना है। कुछ ये भर दिए है तो इसको इस तरह से धागे से बांधना है ताकि मसाला बाहर ना आए। घुमाए तुम धागे से? पूरा घुमा दिया। तो ये गोविंद कर इनको फ्राई कर रहा है। मस्त हो रहे, मस्त लग रहा है। तो भाई ये तो खाने के बाद पता चलेगा कैसे हो रहा है। तो फिलहाल टाइम हो चुका है, रात की 10 बज चुके हैं। अभी तक हमारा करेला मसाला नहीं बने। तो प्रेम को खा के यहाँ पे आए हैं आराम से गप्पे लगाने। भाई प्रेम के बच्चे और प्रेम भी आ गए यहाँ पे। तुम्हारा खाना हो गया? इनका खाना तो हो गया है, हमारा भी बन ही रहा है। यो कुछ प्याज गाड़। अरे से खाऊं? कितने हो? कितने हो? हां कितने ले चला? हां चपल हम उसा। तो गाइस फाइनली हमारा डिनर बन चुका है। डिनर में आपको पता है क्या बना हुआ है, देखते हैं क्या सीन है अभी का। तो सीन कुछ अभी इस प्रकार का है। तो गोविंद वो तागा निकालने में लगी हुई है यहाँ पे। बेकार मोड़ धाग हूँ ना। ये देखो सीन अभी कुछ इस प्रकार का है। ये देखो तो तागा अलग किया जा रहा है अभी सब्जी से। प्रेम तो अपना रूम पे चला गया, लड़की छोड़ चला गया। हेलो लड़की। ओए आगे बढ़िया होए। हां सब बढ़िया होए मेरे। तो ये लड़की कड़वा कर खा रही है अभी। मुंह कैसे कर रही? खा ले। कड़वा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये लड़की भी खा रही है और एक करेला खा दिया इसने भी। आधा करेला तो खा गया होगा।
तो ये लड़की है अभी 2.5 साल की जो यहाँ पे बैठी हुई है हमारे साथ कड़वा करेला खा रही। तो गाइस करेला मसाला बना था, बिल्कुल फैंटास्टिक, बिल्कुल मजा आ गया, ना तो कड़वे है ना कुछ। इस लड़की ने पूरे खाई आधा करेला, है ना, खाई ना तुमने, हैं? इसने पूरे आधा करेला खा लिया, मतलब कड़वे हो ही नहीं रहे, मजा आया खाने में। आपको पता चले घर कैसे बनाना है, पहले हमने करेले छीले, उसके बाद करेले के अंदर का बीज बाहर निकाला, करेले को अंदर से साफ किया, उसके बाद उसके अंदर मसाला डाला, उसके बाद उसमें तागा बांधा, उसके बाद उसको फ्राई किया, उसके बाद उसको खाया, तो मस्त बना था। खाने के बाद गोविंद ले आए हमारे मैंगो, अब खाएंगे हम आम। आम भी खाएगी, आम भी खाएगी, आज खाएंगे हम चौसा वाले आम। अरे चौसा नहीं, हम खाएंगे आज लंगड़ा वाले आम, है भाई गोविंद। तो गाइस हमने मैंगो भी काट लिया है मस्त गोविंद भाई ने, तो आज खाएंगे हम लंगड़ा मैंगो, लंगड़ा आम, तो चलो खाते हैं मस्त फिलहाल। क्या क्या उबलाइन यखन हमारू कैसू तुम्हारू तो गाइस फिलहाल सभी लोग चले गए अपने रूम पे, अब फिलहाल सोने की तैयारी करते हैं क्योंकि टाइम भी हो चुका है 11:19। तो गाइस इस वीडियो करते हैं मेन, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और एंड चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग के लिए, बाय।